वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। ये एक बड़ी अच्छी फिल्म है, अच्छा मैसेज है। आर्ट हाउस सिनेमा और पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा, इसकी एक अच्छा मिलाप देखने को आया है इस फिल्म में। सबका परफॉर्मेंस अच्छा है, शिखा जी का परफॉर्मेंस बढ़िया है और ललित परिमू और संजय मिश्रा तो वेटरन एक्टर्स है, उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और जो लैंडस्केप्स उन्होंने दिखाया है वो भी अच्छे हैं, म्यूज़िक अच्छा है। मैं 3.5 स्टार दूँगा। काजली मूवी एक सांप जो अपनी काजली छोड़ता है और अपने पुराने जीवन से नए जीवन में जाता है, वैसे इसमें एक स्त्री की मनोदशा का वर्णन है कि एक स्त्री अपने लिए जो स्टैंड नहीं ले पाती, वो चाहती है कि मेरा पति मेरा सपोर्ट करे, समाज सपोर्ट करे, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं मिलने से वो अंतर उसके अंतर मन में कुछ न कुछ हलचल पैदा हो जाती है। तो ये फिल्म काजली इसी पे बेस्ड है कि एक औरत अपने जो अंतर्व्यथा से बाहर निकल के वो नई दुनिया पे कैसे आए। ये फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट उसी पे है। फिल्म के जो स्टार है शिखा जी, उनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है, डायरेक्शन भी बेहतरीन है। इसमें ग्रामीण अंचल की जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं वो फिल्म में पूरी तरीके से दर्शाया गया है। कहानी बहुत ही इंटेंस है, बहुत संजीदा कहानी है और ऐसी मूवी को फिल्म फेस्टिवल पे जाना चाहिए, बेहतरीन मूवी है। एक अच्छी मूवी है और सबसे बड़ी बात तो ये कि ऐसी फिल्में बहुत कम लोग बनाते हैं और ऐसी पिक्चरों को अवार्ड ज़रूर मिलता है। डायरेक्शन अच्छी है, शिखा मल्होत्रा का काम अच्छा है, इसके अलावा संजय जी ने एक अलग तरह का करेक्टर किया है जो बहुत दिनों के बाद देखने को मिला, क्योंकि हम उनको और कॉमेडियन या में देखते थे, उनके एक तरह का करेक्टर है। मुझे पिक्चर पसंद आई और एक अच्छी मूवी इन्होंने बनाने का प्रयास किया है और फिल्म मेरे हिसाब से अच्छी चलेगी। काजली फिल्म का विषय बहुत ही अच्छा है। आमतौर पर इस तरह की प्रथाएं जो है पहले राजस्थान या इस तरह के गांव में बहुत थी जो है, लेकिन फिल्म का एक संदेश है। आपने फिल्म देखा होगा, एक सांप जो अपनी केचुली को जो बाहर निकालता है स्वतंत्र हो जाता है, इसी तरह से लड़की की कहानी है। गांव के ठाकुर की नज़र उस पर रहती है, फिर उसके जो नौकर होता है वो किस तरह से उसको रिझाने की कोशिश करता है और किस तरह से अपने आप को बचाते बचाते अंत में उसके जहन में ये आता कि जिस लिए ये लोग जो है इसके ऊपर बुरी नज़र डाले हुए हैं, तो एक काजली जिस तरह जो है सांप अपने केचुल को निकाल कर स्वतंत्र होता है, इसी तरह अपने आप को जो है स्वतंत्र कर लेती है। और फिल्म का बड़ा ही ये अच्छा संदेश है।